नमस्कार, मैं चांदनी परिहार जन समय न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। कांग्रेसियों द्वारा की गई गौ हत्या का जिले में चहुओर विरोध। जन कल्याणकारी शिविर में दिखी औपचारिकता। विद्यार्थी मित्रों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर जताया विरोध। रमजान के पहले जुम्मे की नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। सरकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर विशेष बैठक आयोजित। वांकल माता जी की प्राण प्रतिष्ठा कल। हिंगलाज माता जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेसियों द्वारा की गई गौ हत्या का जिले में चहुओर विरोध। केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सरेआम गौ हत्या करने के विरोध में गौ हत्यारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर शुक्रवार को जिले में चारों ओर निंदा और आक्रोश का माहौल दिखाई दिया। भिनमाल संवाददाता चिराग प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मगुप्त योग विद्वान समिति की ओर से आक्रोश रैली निकालकर SDM दौलतराम चौधरी को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समिति के अध्यक्ष नगराज पुरोहित ने कहा कि गाय हिंदुत्व की आन बान और शान है, जो इस पर अत्याचार करेगा उसका नाश होना निश्चित है। पुरोहित ने बताया कि भारत सरकार के प्रस्तावित कानून पशुवध अधिनियम के विरोध स्वरूप योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेसियों ने गौ हत्या कर गाय के मांस को सरेआम बांटकर हिंदुओं की भावना पर प्रबल कुठाराघात किया है। ऐसे लोगों की पूरा देश निंदा करता है। ज्ञापन में सेवा समिति के संरक्षक डॉक्टर श्रवण कुमार मोदी ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कठोर शब्दों में कहा कि ऐसी गौ हत्या करने वाले के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए अपराधियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। ज्ञापन में जोरावर सिंह राव ने बताया कि गाय हिंदू धर्म का प्रतीक है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसा घोर पाप कर हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता शिव नारायण बिश्नोई ने बताया कि गौ हत्या जैसा कलंकित कार्य यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है वह बड़ा दर्दनाक और शर्मनाक मामला है। ज्ञापन सौंपते समय गणेशाराम फुलवारिया, मुरारदान चारण, चतुर्भुज राठी, पारस घाची, एडवोकेट बाबूलाल चौधरी, अशोक सिंह ओपावत, छैलपुरी सहित कई लोग मौजूद रहे। इसी तरह जिले के सांचोर और चितलवाना क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम जन ने एकत्रित होकर विशाल रैली निकालकर केरल में सरेआम गौ माता की हत्या कर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के विरोध में उपखंड मुख्यालय जाकर SDM को महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में भाजपा पदाधिकारी केसरी मंडल अध्यक्ष चुनीलाल पुरोहित, पूर्व MLA जीवाराम चौधरी, नगरपालिका उपाध्यक्ष दिलीप राठी, नरेंद्र चौधरी, चितलवाना मंडल अध्यक्ष सांवलाराम, हरीश पुरोहित सिलू, नारायण पुरोहित, श्रवण सिंह राव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। जन कल्याणकारी शिविर में दिखी औपचारिकता। नगर परिषद जालोर की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी शिविर में जन कल्याण के नाम पर महज औपचारिकता होती दिखाई पड़ी। वहीं आयुक्त सहित अधिकारियों की गैर हाजिरी का फायदा उठाते हुए कर्मचारी मात्र वार्तालाप करते दिखाई दिए। कुछ लोग पट्टे के लिए फाइल पेश करने पहुंचे, किंतु आयुक्त की गैर हाजिरी से खाना पूर्तियां होते देखी गई। वहीं दूसरी ओर शहर के गोड़ीजी में विगत 4 दिनों से एक मृत गाय पड़ी है। नगर परिषद कार्मिकों द्वारा मृत गाय को बार बार हो रही शिकायतों के बावजूद नहीं हटाया गया है। इससे वार्ड नंबर 1 में मृत गाय से वातावरण में दुर्गंध फैली हुई है, जिसके कारण बीमारियां उत्पन्न होने का अंदेशा है। जबकि इस बारे में नगर परिषद को कई बार इत्तला दी जा चुकी है, बावजूद इसके कार्यवाही नहीं हुई है। गौ रक्षा दल के एक सदस्य नगर परिषद में आयोजित शिविर में पहुंचा तथा XEN महेश पुरोहित से बार बार स्टाफ भेजकर मृत गाय को हटाने का बारंबार निवेदन किया, किंतु XEN टस से मस होने को तैयार नहीं हुए, बल्कि अपने मोबाइल पर बतियाते नजर आए। इससे स्पष्ट है कि नगर परिषद के इन शिविरों में जन कल्याणकारी कार्यों के नाम मात्र औपचारिकता होना आम बात हो गई है। विद्यार्थी मित्रों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर जताया विरोध। राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के बैनर तले
जिला मुख्यालय पर विद्यार्थी मित्रों का धरना प्रदर्शन 15वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को धरना स्थल पर विद्यार्थी मित्रों ने अपनी मांगों को मनवाने को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ कर प्रशासन के समक्ष विरोध प्रकट किया। विद्यार्थी मित्रों के जिलाध्यक्ष कुंदन सिंह बालावत ने बताया कि ग्राम सहायक भर्ती में PEEO द्वारा दबंग लोगों के दबाव में आकर अपने चहेतों को ग्राम सहायक बनाकर विद्यार्थी मित्रों के साथ घोर अन्याय किया है, इसलिए आज सभी विद्यार्थी मित्रों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर PEEO व संबंधित अधिकारियों के लिए सद्बुद्धि की कामना की है, ताकि विद्यार्थी मित्रों के साथ न्याय हो और सरकार प्राथमिकता से भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर पुनः विद्यार्थी मित्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया निकाले। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी मित्रों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। इस मौके पर अचलाराम मेघवाल, कमलेश, भीख सिंह, भंवर सिंह, बजरंग लाल सहित दर्जनों विद्यार्थी मित्र उपस्थित थे। रमजान के पहले जुम्मे की नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। जालौर जिला मुख्यालय पर मुस्लिम भाइयों ने रमजान महीने के पहले जुम्मे की नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। रमजान के पवित्र माह में सभी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, जिसके तहत शहर स्थित जामा मस्जिद, पिंजारों की मस्जिद, किले की घाटी सिलावटों की मस्जिद, ऊपर कोटा मस्जिद, तासखाना बावड़ी मस्जिद सहित समस्त छोटी बड़ी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। सरकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर में NIC वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में शुक्रवार को प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से समस्त राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के समस्त रसद अधिकारी एवं प्रबंधक नागरिक आपूर्ति उपस्थित रहे, जिसके तहत विभागीय गतिविधियों की पूर्ण समीक्षा एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर डायरेक्शन दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला रसद अधिकारी संपत राज वडेरा, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम आनंद सिंह राठौड़, सहायक लेखाधिकारी रोहिताश कुमार, सहायक प्रोग्रामर दिनेश खोरवाल एवं सूचना सहायक महेंद्र कुमार बालोद सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर विशेष बैठक आयोजित। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को सवेरे 11 बजे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला रसद अधिकारी संपतलाल वडेरा ने की। बैठक में जालौर से जुड़ी सभी गैस एजेंसियों के प्रोपराइटर उपस्थित थे। बैठक में रसद अधिकारी वडेरा ने बताया कि क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल के निर्देशानुसार ऐसे प्रार्थी जो गरीब हैं तथा गैस कनेक्शन लेने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब उपभोक्ताओं को जिले में अलग अलग स्थानों पर विशेष मेगा शिविर का आयोजन करते हुए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने गैस एजेंसी धारकों को विशेष डायरेक्शन दिए। रसद अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पूरे जिले भर में 1,44,444 गैस कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है, जिसके तहत अब तक 72,276 गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। बैठक के अंत में रसद अधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नक्शा रिपोर्ट आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा करवाने का निर्देश दिया है। वांकल माता जी की प्राण प्रतिष्ठा कल। सायला क्षेत्र के बावतरा गांव में राजपुरोहित बुजुर्वंश बावतरा व वालेरा की ओर से नवनिर्मित श्री वांकल माता जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल शनिवार को धूमधाम से संपन्न होगी। सायला संवाददाता पूरा राम की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत गुरुवार रात्रि में विशाल भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक श्याम पालीवाल एंड पार्टी बालोतरा की ओर से भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। शनिवार को माताजी मंदिर में शुभ मुहूर्त में आचार्यों व विद्वान पंडितों की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हिंगलाज माताजी की प्राण प्रतिष्ठा कल। जालौर की चितलवाना तहसील के बक्सड़ी गांव में बगेड़िया जलसार परिवार की कुलदेवी हिंगलाज माताजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 1 जून से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसके तहत आज भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए।
3 जून तक चलने वाले इस आयोजन में मारवाड़ सहित देशावर से भी बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। इस अवसर पर कैलाशपुरी महाराज, संतोषपुरी महाराज व कैलाश गिरी महाराज का विशेष सानिध्य रहा। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में जालौर शहर का आज का तापमान अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।